क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार मेन पॉइंट्स जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज एनडीटी, एनडीटी क्या है। सेकंड, व्हाई एनडीटी, हम एनडीटी क्यों करते हैं। थर्ड, गवर्निंग बॉडी ऑफ एनडीटी सर्टिफिकेशन, यानी एनडीटी सर्टिफिकेशन कौन देता है। फोर्थ, टाइप्स ऑफ एनडीटी मेथड्स। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि एनडीटी एक मटेरियल टेस्टिंग टेक्निक है जिसका यूज आज वर्ल्ड की हर एक इंडस्ट्रीज में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो मटेरियल की क्वालिटी को, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए चेक करने के लिए डेवलप की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि मटेरियल को चेक करने के लिए हमें उसे तोड़ा जाता है, यानी डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिजिकली डैमेज किया जाता है फॉर द फिजिकल चेकिंग। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम मटेरियल को फिजिकली डैमेज नहीं करते हैं और उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मटेरियल्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं और जिनका क्वालिटी चेक बिना डैमेज किए करना जरूरी होता है, जैसे कि बॉयलर्स, एविएशन इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कंपोनेंट्स जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के कॉस्टली इक्विपमेंट्स जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रेलवे इक्विपमेंट्स, और इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स को चेक करने के लिए भी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। ये थी बात नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ एनडीटी सर्टिफिकेशन। एनडीटी का सर्टिफिकेशन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स, जो कि ASTM के नाम से जानी जाती है, वो देती है। और इसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल कमेटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यूरोपियन फेडरेशन फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में इंजीनियर्स को लेवल डिसाइड किए जाते हैं जो कि उनके एक्सपीरियंस बेस्ड पर सर्टिफाइड करने के लिए ऑथराइज करते हैं। एनडीटी में मेनली तीन लेवल यूज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इन तीनों लेवल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का होना जरूरी होता है, जिसमें टेस्टिंग के कुछ घंटे और कुछ कंडीशंस दी होती हैं, जिसके डिटेल में मैं आपको नॉलेज एक स्पेशल वीडियोस में दूंगा। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एनडीटी के ऊपर, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में सर्च कर सकते हैं कि एनडीटी मेथड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और लेवल को कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइप ऑफ एनडीटी मेथड्स। एनडीटी मेथड बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनके लिए हम लाखों टाइप के इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि काइजन के थ्रू डेवलप होते जा रहे हैं। मेनली जो हम कॉमन एनडीटी मेथड्स यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे कॉमन मेथड जिसे हम कहते हैं डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन मेथड, जिसे DPI भी कहते हैं। सेकंड है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, जो कि फेरस मटेरियल यानी कि आयरन कोर वाले मटेरियल के इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। थर्ड है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग,
यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ पास किया जाता है उस मटेरियल को और डिफेक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका एक अलग मेथड है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं ट्रांसड्यूसर, रिड्यूसर और प्रोजेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसमें वेव्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ मेथड है ईडी करंट मेथड, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है मटेरियल के अंदर, जो पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, तो हमें डिफेक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। फिफ्थ है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्टिंग। सिक्स्थ है माइक्रोवेव इमेजिंग। सेवन्थ है इंफ्रारेड एंड थर्मल टेस्टिंग, और है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शंस, सीटी स्कैन्स। ये सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स हैं, जिनका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। वेल, हम ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पर इन मेथड्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन मास क्वांटिटी में होता है, तो हमें बहुत ही फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड यूज किया जाता है जो कि इकोनॉमिक भी हो। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं डीपीआई यानी डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन मेथड का मेनली यूज होता है वेल्डिंग जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में, जहां पर क्रैक्स के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वेल्डिंग में मेनली क्या होता है, जब दो मटेरियल्स को जॉइंट करते हैं और हीटअप करते हैं तो अनइवन हीटिंग की वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ये क्रैक्स बहुत ही माइन्यूट लेवल के होते हैं, जिसे नेकेड आई यानी खुली आंख से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस केस में हम मटेरियल के ऊपर पहले क्लीनिंग एजेंट को डालते हैं, जिससे मटेरियल क्लीन हो जाए। उसके बाद हम डाई पेनिट्रेंट डालते हैं, यानी कि रेड डाई, जो कि सबसे ज्यादा विजुअल होती है, इसलिए हम रेड डाई का यूज करते हैं, जो मटेरियल में पेनिट्रेट करती है, यानी कि जो भी क्रैक है उनके अंदर फिल हो जाती है। एक सोकिंग पीरियड देते हैं, यानी कि एक टाइम इंटरवल देते हैं, जिसमें डाई मटेरियल के अंदर इजीली फिल हो जाए। ये टाइम डिपेंड करता है मटेरियल की थिकनेस और मटेरियल की क्वालिटी पर। वेल, इसे जनरली हम यूज करते हैं 2 से 5 मिनट के बीच में, वेरी करता है। उसके बाद हम एक्सेसिव डाई को हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम इसमें डेवलपर डालते हैं। डेवलपर यानी कि एक व्हाइट टाइप का स्प्रे होता है। जब ये मटेरियल के सरफेस पे जाता है तो जो डाई क्रैक्स में फिल हो गई है वो वहां से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि ये स्प्रे व्हाइट कलर का होता है और डाई हमारी रेड होती है, तो इजीली विजिबल हो जाती है। जहां पर क्रैक होगा वो डाई को खींचेगा और इजीली हमें दिख जाएगा कि यहां पर क्रैक, तो हम इजीली डिफेक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अगर हमारा पार्ट डिफेक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर डाई इकट्ठी नहीं होगी। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूं आपको। सेकंड मेथड है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में हम सिर्फ फेरस मटेरियल जिनके अंदर आयरन हो, जिसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उन मटेरियल की टेस्टिंग मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड से की जाती है। इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा वर्कपीस है जिसे हमें टेस्ट करना है, उसको पहले मैग्नेटाइजिंग मशीन के अंदर रखते हैं, जिससे उस मटेरियल को कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर देते हैं, यानी कि वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जब ये मटेरियल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और अगर इस मटेरियल के अंदर क्रैक्स है यानी कि डिफेक्ट है, तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी मैग्नेट टूटता है तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डेवलप कर लेता है, यानी कि दो पोल डेवलप करता है। अगर क्रैक जनरेट होता है तो वहां पर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं, जिसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी इस फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी मटेरियल लाएंगे जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल वाला होगा, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिफेक्टिव पार्टिकल्स में हम मैग्नेटिक पाउडर को स्प्रेड करते हैं। अगर मटेरियल में क्रैक होगा तो वो पाउडर उस क्रैक वाली जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि यहां पर क्रैक है। ये है सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका यूज हम करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एनडीटी में। बाकी और मेथड्स हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ईडी करंट मेथड,
ये भी सिमिलर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।